Good morning, everybody. Today I'm going to teach you all wood model. आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ model wood. कैश wood model को देखते हुए आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है. ये तो इसकी यूजेज है जो आपको सिखाएगी कि wood का क्या मीनिंग होता है और किस आधार पे wood का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वुड का बहुत सारे मीनिंग हो सकता है अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में मैं आपकी सारी जो डाउट है उसको क्लियर करूंगा वन बाय वन, इसकी यूजेज को बताकर. सबसे पहले गौर करें, वुड का जो प्रयोग होता है वो या ई ए प्लस कर्ता के सेंस में होता है, या ई ए प्लस कर्ता के सेंस में आप वुड मॉडल का प्रयोग करेंगे. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, मैं जाया करता परंतु मेरे पास टाइम नहीं है. कहते आई वुड गो बट आई हैव नो टाइम. मैं जाया करता, आई वुड गो. वह खेला करता ही वुड प्ले. हम लोग पढ़ा करते, वी वुड रीड. तो आप ये कहते होंगे कि ये किस सेंस में होता है, जब इसका कंडीशनल में प्रयोग किया जाता है टैप टू में तभी इसका प्रयोग किया जाता है. जैसे हम लोग खेला करते, अगर आप हमें खेलने देते, वी वुड प्ले इफ यू लेट अस प्ले. मैं आता अगर आप मुझे बुलाते, आई वुड कम इफ यू कॉल्ड. ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि फर्स्ट जो है इसका वो या ये प्लस कर्ता के सेंस में आप वुड मॉडल का प्रयोग करेंगे. चलिए अब मैं सेकेंड आपको बता दूं, वुड का जो दूसरा जो मीनिंग है वो क्या होगा. वुड का मतलब गागेगी के सेंस में भी आप वुड मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं, पर कहाँ पे, ये पास्ट में होता है. विल का पास्ट जो होते हैं ना, विल के पास्ट में आप वुड का प्रयोग करेंगे. जैसे मैं आपको दो तरह का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ. वह कहता है कि वह नहीं पढ़ेगा. वह कहता है कि वह नहीं पढ़ेगा. अब देखिए, वह कहता है, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. वह कहता है कि वह नहीं पढ़ेगा, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, ही सेज दैट. वह कहता है कि ही सेज दैट वह नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड. परंतु इसी का अगर मैं पास्ट में कह दूं, वह कहा कि वह नहीं पढ़ेगा, वह कहा कि वह नहीं पढ़ेगा. तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, वह कहा, पास्ट की बात हो गया, ही सेड दैट वह नहीं पढ़ेगा, ही वुड नॉट रीड. गौर करें यहाँ पे, ही सेड दैट ही वुड हो जाएगा अब यहाँ पे, ही सेड दैट ही वुड नॉट रीड. इसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे, तो मुझे लगा ये पास्ट की बात हो गया, तो पास्ट की बात हो गया तो मुझे लगा इसके लिए क्या कहेंगे, आई थाउट दैट आप नहीं आएंगे. तो यहाँ पे यू विल नॉट कम नहीं कह सकते आप, क्या कहेंगे, यू वुड नॉट कम. आई थाउट दैट यू वुड नॉट कम. तो इस प्रकार से आप पास्ट में आप वुड मॉडल का प्रयोग करेंगे, ना कि व्हील का प्रयोग करेंगे. तो ये था सेकेंड यूज वुड का. अब मैं आपको थर्ड जो इसका यूज है वो बता दूं. थर्ड जो इसका प्रयोग किया जाता है वुड लाइक टू के सेंस में, प्लीज डोंट टॉक, वुड लाइक टू यहाँ पे चाहूंगा के सेंस, चाहूंगा या पसंद करूंगा. मैं चाय लेना पसंद करूंगा. गौर करें सेंटेंस को, मैं चाय लेना पसंद करूंगा, तो क्या कहेंगे, आई वुड लाइक टू टेक टी. मैं आपसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू. मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा. तो मैं चाहूँगा, आई वुड लाइक टू
थैंक यू ऑल, या फिर थैंक आई लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, या आई लाइक टू थैंक यू ऑल। वह आपसे आज ही मिलना चाहेगी, शी वुड लाइक टू मीट यू टूडे। यस, हम लोग सिनेमा जाना पसंद करेंगे, वी वुड लाइक टू गो टू सिनेमा। तो पसंद करेंगे या चाहूँगा के सेंस में आप वुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। तो ये था इसका थर्ड यूज, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ कि चौथा जो यूज है वुड मॉडल का, वह है काश के सेंस में भी आप वुड मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। काश वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना इमेजिनेशन को शो करने के लिए, जैसे काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता। तो यहाँ पे सेंटेंस को आप दो तरह से बना सकते हैं। एक बनाएंगे काश मैं उड़ दैट आई वर अ किंग, उड़ दैट आई वर अ किंग, या फिर आई विश आई वर अ किंग। सेंटेंस को ऐसे बनाया जा सकता है, काश मैं एक राजा होता, उड़ दैट आई वर अ किंग, आई विश आई वर अ किंग, काश तुम यहाँ होते, उड़ दैट यू वर हेयर, या फिर आई विश यू वर हेयर। काश मैं धनी होता, वुड दैट आई वर रिच, या आई विश आई वर रिच। तो ये काश वाले सेंटेंसेस में आप वुड दैट का प्रयोग करेंगे, यानी वुड के साथ दैट लगेगा। अगर वुड दैट से नहीं बनाएंगे तो फिर आप आई विश से आप बनाएंगे, ठीक है। ये यूज नंबर 5 है। वुड का जो प्रयोग किया जाता है वो रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है तो आप उसके लिए वुड या फिर कुड दोनों मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, क्या आप मुझे यहाँ बैठने देंगे, क्या आप मुझे यहाँ बैठने देंगे, ये मैं रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ। तो जैसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में, वुड यू लेट मी सीट हियर, वुड यू लेट मी सीट हियर प्लीज, या फिर कुड यू लेट मी हियर, कुड यू लेट मी सीट हियर प्लीज। यस, क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बनाएंगे, क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बनाएंगे कृपया। तो क्या कहेंगे, वुड यू मेक या कप ऑफ टी फॉर मी प्लीज। तो ये इस प्रकार से आप रिक्वेस्ट करने में आप वुड मॉडल का प्रयोग करेंगे गाइस, ठीक है। अब इसके अलावा भी और भी बहुत सारे यूजेज हैं वुड मॉडल का जो मैं आपको बताना चाहूँगा। वुड का जो प्रयोग किया जाता है, देखिए, वुड बी प्लस बिफोर, देखिए यहाँ पे होगा रहा होगा रही होगी के सेंस में, रहा होगा रही होगी के सेंस में आप वुड बी प्लस बिफोर का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब, जब आपको कल्पना करना हो, जब आपको संभावना की बात करना हो, जब आप टॉकिंग कर रहे हैं संभावना का, तो आप वुड बी प्लस बिफोर वाले सेंटेंसेस की बिफोर वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिए, वह अभी सो रहा होगा, तो यहाँ पे एक तरह का मैं संभावना लगा रहा हूँ कि अभी वो क्या कर रहा है होगा, तो वह अभी सो रहा होगा। तो वी कैन से He would be sleeping now. He would be sleeping now. Yes. मेरी माँ अभी खाना बना रही होगी, खाना पका रही होगी। How will it be said? How will it be said? मेरी माँ, please don't talk. मेरी माँ, my mother, रही होगी, would be cooking now. My mother would be cooking now. वे लोग स्कूल जा रहे होंगे, they would be going to school. वे लोग इस वक्त खेल रहे होंगे, they would be playing right now. तो would be plus before का प्रयोग करेंगे रहा होगा रही होगी के सेंस में, परंतु संभावना को जताने के लिए, ओके। अब मैं आगे आपको बता दूँ, would have plus BTD. अब इसका प्रयोग कब किया जाएगा, इसका प्रयोग दो तरीके से किया जाएगा, या होता ई होती ये होते के सेंस में, या फिर या होगा ई होगी के सेंस में,
या होगा ये होगी के सेंस में। मैं आपको कुछ एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ इसका जो यूज है, तो एग्जांपल को गौर करेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे देख, वह तुम्हें मार दिया होता, वह तुम्हें मार दिया होता लेकिन मारा नहीं, तो वह तुम्हें मार दिया होता यानी संभावना की बात कर रहा है कि मार दिया होता भाई लेकिन मारा नहीं, तो क्या कहेंगे, ही वुड हैव किल्ड यू, ही वुड हैव किल्ड यू, इसका मतलब वह तुम्हें मार दिया होता। तुम फेल कर गए होते, तुम फेल कर गए होते लेकिन तुमने फेल किया नहीं, तो क्या कहेंगे, यू वुड हैव फेल्ड। सर तुम्हें नहीं मारे होते, सर वुड नॉट हैव बीटन यू, ठीक है, आप अगर मेहनत किए होते तो आप पास कर गए होते, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड, यस, अगर आप मुझे फ़ोन किए हुए होते तो मैं पहुंच गया होता, इफ़ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव रीच्ड, तो या गया होता ये गई, तो अब मैं कहूँगा कि या होगा या ये होगी कैसे होगा। देखिए ये भी संभावना जताने के लिए किया जाता है, वह अब तक घर पहुंच गया होगा, वह अब तक घर पहुंच गया होगा, तो वह घर पहुंच गया होगा, ही वुड हैव रीच्ड होम अब तक बाय नाउ, बच्चे उठ चुके होंगे, द चिल्ड्रेन वुड हैव वोक अप, बच्चे ट्यूशन पहुंच चुके होंगे, द चिल्ड्रेन वुड हैव अराइव्ड द ट्यूशन, यस, माँ खाना पका चुकी होगी, मदर वुड हैव कुक्ड फूड, तो इस प्रकार से आप वुड का प्रयोग करेंगे वो प्रेजेंट में संभावना को जताने के लिए गाइज। तो गाइज ये था कुछ यूजेज वुड मॉडल का, आई होप आप सभी को वुड मॉडल अच्छी तरह से समझ में आ गया।